अकबर और बीरबल की पहली भेंट। एक खुश भरी दोपहर में सारा दरबार बीरबल के सुनाए हुए चुटकुले पे पेट पकड़कर हंस रहा था। और तब पड़ोसी राज्य से आए एक मेहमान रहमान नवाज हंसते हुए बोले, वाह बादशाह अकबर, आपका सलाहकार बीरबल तो बेहद होनहार और चालाक है। अगर एक और ऐसा नमूना हो तो हमें भी दे दो। सही कहा तुमने, पर ऐसा नमूना हर किसी के नसीब में नहीं होता। उसके लिए रास्ता भटकना पड़ता है। रास्ता भटकना पड़ता है, मैं कुछ समझा नहीं। चलो फिर, आज हम दरबार को बीरबल और हमारी पहली मुलाकात की कहानी बताते हैं। और फिर क्या था, बादशाह ने दरबार को वो किस्सा बताना शुरू किया और बताया, एक दिन बादशाह अपने सिपाहियों के साथ जंगल के रास्ते आगरा जा रहे थे। तभी अचानक तेज तूफान आन पड़ा और उनके घोड़े डर के कारण यहाँ वहाँ दौड़ने लगे। और जब तक तूफान थमा, बादशाह अपना रास्ता भटक चुके थे। उस सुनसान रास्ते पर कोई नहीं था और आदमखोर जानवरों की आवाज आ रही थी। कुछ देर चलकर बादशाह को सामने तीन रास्ते दिखाई दिए। इसमें से एक रास्ता सही था और बाकी दो गलत, जिनके पार और घना जंगल था, जहाँ कोई एक बार जाता तो फिर लौट कर नहीं आता। और तूफान में बादशाह अपना नक्शा भी खो बैठे थे, जिसके कारण वे बेहद दुविधा में आ गए थे। और उसी वक्त बादशाह को झाड़ियों के पीछे से कुछ आवाज सुनाई दी, जिससे बादशाह घबरा गए। ये कैसी आवाज है, कहीं कोई शेर या चीता तो नहीं? वो आवाज और पास आती गई और बादशाह के तो मानो पसीने छूट गए। तभी अचानक पेड़ के पीछे से निकला एक व्यक्ति। किसी सभ्य इंसान को देख बादशाह ने राहत की सांस ली और उस व्यक्ति को आवाज लगाते हुए कहा, सुनो, हम रास्ता भटक गए हैं, तो क्या आप हमें बता सकते हैं इन तीनों में से कौन सा रास्ता आगरा जाता है? ये सुन वो व्यक्ति जोर से हंस पड़ा। उसे यूं हंसते हुए देख बादशाह काफी अचंभित हुए और पूछा, इसमें इतनी हंसने वाली क्या बात हो गई? हमने तो केवल ये पूछा कि आगरा कौन सा रास्ता जाता है। क्षमा चाहता हूँ महाराज, पर कभी कोई रास्ते कहीं नहीं जाते, रास्ते तो वही रहते हैं, उस पर चलकर हम जाते हैं। तो आपको ये प्रश्न पूछना चाहिए था कि कौन से रास्ते से हम आगरा जा सकते हैं। बीरबल की ये हाजिर जवाबी सुन बादशाह प्रसन्न हुए। ये बात तो सही कही तुमने, काफी होशियार मालूम लगते हो। क्या नाम है तुम्हारा और क्या काम करते हो? जी, इस नाचीज का नाम महेश दास है और मैं यहाँ के महाराज श्री रामचरण जी का मंत्री हूँ। तुमसे मिलकर बेहद खुशी हुई मंत्री महेश दास। क्या तुम बता सकते हो इन तीनों रास्तों में से कौन से रास्ते से हम आगरा जा सकते हैं? क्यों, सही पूछा ना? जी बिल्कुल, अगर जिंदगी में कभी ऐसा मोड़ आ जाए तो हमें उस रास्ते को गौर से देखना चाहिए, जहां लोगों के कदमों के निशान ज्यादा से ज्यादा दिखे। अधिक तौर पर वही रास्ता सुरक्षित होता है और इस मामले में मुझे दाहिना रास्ता सही लगता है। ये तर्क सुन बादशाह बीरबल से और ज्यादा प्रभावित हुए और बोले, वाह महेश बाबू वाह, तुम्हारी अकलमंदी तो लाजवाब है। हमारे दरबार में तुम जैसे रत्न की बेहद जरूरत है, तो क्या तुम हमारे यहाँ मंत्री पद की नौकरी करोगे? इसे सुन बीरबल विचार करने लगे और बोले, बेहद शुक्रिया महाराज, पर इस वक्त मैं इस प्रस्ताव का स्वीकार नहीं कर सकता। बादशाह ने अपनी बेहद कीमती हीरो की अंगूठी निकाली और उसे बीरबल को देते हुए कहा, कोई बात नहीं, इस भेंट को हमारी तरफ से रख लो और जब भी तुम्हारा मन करे तो इस अंगूठी को निशानी के तौर पे ले हमारे दरबार में बेझिझक आ जाना। अभी हम चलते हैं, हमें तुम्हारा इंतजार रहेगा। ये कहकर बादशाह वहाँ से चले गए और महेश दास भी अपने रास्ते निकल गए। और फिर समय बीतता गया। महेश दास के गांव के सारे मित्र गांव से बाहर घर बसाने लग गए।
जिस वजह से उसका मन गांव में अब लगने से रहा। तभी उसके दिमाग की बत्ती चमकी और उसे याद आया बादशाह अकबर की अंगूठी और उनका प्रस्ताव। उसने सोचा कि अगर मैं गांव बदल के कहीं और घर बसा लूं, तो नए मित्र और नया संसार दोनों भी पहले से शुरू कर सकता हूँ। इस तरह से महेश दास डिब्बी में अंगूठी लिए बादशाह अकबर के दरबार की तरफ चल दिए। कुछ दिनों का सफर तय करने के बाद महेश दास दरबार के द्वार पर आ पहुँचे। तब वहाँ खड़े एक सिपाही ने उन्हें रोक लिया और पूछा, रुको, कौन हो तुम और दरबार में क्या काम है तुम्हारा? मैं महेश दास, 2 साल पहले बादशाह ने मुझे यहाँ आने का न्योता दिया था। क्या बादशाह अकबर ने तुम्हें बुलाया था? तुम्हें? अपने आप को कभी देखा है? अपने जुग्गी में कभी आईना रखते हो क्या तुम? ये सुन महेश दास मुस्कुराए और उसने डिब्बा निकाल के डिब्बी के अंदर की अंगूठी सिपाही को दिखाते हुए कहा, ये अंगूठी हमें बादशाह अकबर ने सबूत के तौर पे दी थी। सिपाही ने बादशाह अकबर की कीमती अंगूठी देखी और सोचा, ये तो बादशाह अकबर की सबसे कीमती और नायाबी अंगूठी है। शायद बादशाह अकबर इससे बहुत प्रसन्न हुए होंगे और आज ये उसी का इनाम लेने आया हो। इससे इनाम का आधे से भी ज्यादा हिस्सा मांगना ठीक ही रहेगा। आज तो बहुत बड़ा बकरा हाथ लगा है, ऐसे कैसे जाने दूं मैं इसे। ठीक है ठीक है, मैं तुम्हें अंदर जाने की इजाज़त दे दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। आज तुम्हें बादशाह इनाम में जो भी देंगे उसका आधा हिस्सा मुझे देना होगा। इस पर बीरबल मुस्कुराए और बोले, हाँ हाँ, आधा क्यों, मैं तो आज के इनाम का पूरा हिस्सा तुम्हें देने को तैयार हूँ। सच मुझ? बस तुम मुझे एक बार बादशाह से मिलने जाने तो दो। ये सुन तो जैसे लालची सिपाही के मुंह से लार टपकने लगी और उसने तुरंत महेश दास को अंदर जाने की अनुमति दे दी। भीतर पहुँचते ही बादशाह को महेश दास को पहचानने में देर न लगी और महेश दास ने भी तुरंत दरबारियों को अपनी हाजिर जवाबी से मोह लिया, जिससे दरबार का माहौल खुशनुमा हो गया। बस करो महेश दास, कहीं हंसी से हम सब का पेट न भर जाए। कहो, क्या इनाम चाहिए तुम्हें? इस पर बीरबल बिना सोच विचार किए तुरंत बोले, मुझे इनाम में 100 कोड़े दिए जाए। ये सुन सारे दरबारी चौंक गए, पर बादशाह अकबर जानते थे कि दास एक बहुत ही चतुर और समझदार इंसान है। वो यूं ही 100 कोड़े की मांग नहीं करेगा। हम जानते हैं तुम्हारे दिमाग में कोई बात होगी। तुम बेझिझक होकर बताओ कि 100 कोड़ों की मांग क्यों की है तुमने। इस पर बीरबल ने बताया कि कैसे दरबार के द्वार पे खड़े सिपाही ने उससे दरबार के अंदर आने की रिश्वत मांगी थी, जिस पर बीरबल ने उससे ये वादा किया कि आज मिला हुआ सारा इनाम वो उसे दे देगा। ये बात सुन अकबर ने उस सिपाही को तुरंत हाजिर होने को कहा और रिश्वत मांगने के जुर्म में उसे काल कोठरी में डाल दिया। फिर वो महेश दास से बोले, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया महेश, हमारे कहे अनुसार आज से तुम हमारे रत्नों का एक हिस्सा हो और तुम्हारी बुद्धिमत्ता और हिम्मत को मद्देनजर रखते हुए तुम्हें बीरबल के नाम से संबोधित करते हैं। तो इस तरह महेश दास बन गए बीरबल और हमारे दरबार के 9 रत्नों में से सबसे अनमोल रतन। ये सुन दरबार तालियों से गूंज पड़ा और मेहमान रहमान वहाँ से अचानक उठकर चल पड़े। रहमान, कहाँ चल दिए? रास्ता भटकने। ये सुन सभी हंस पड़े और हमने आज बीरबल और अकबर के इस इत्तेफाक की मुलाकात के बारे में सीखा।